अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान और अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी है? आइसोसेल। तो ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है, उससे पहले आपको ट्राइंगल का पता होना चाहिए। ऐसी डायग्राम जिसकी तीन साइड हो, ऐसी डायग्राम जिसकी तीन साइडें हों उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं एक तीन साइडों वाली डायग्राम बना रहा हूँ। ये आ गई हमारे पास ट्राइंगल, इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया बी और इसका नाम रख दिया सी। ये ट्राइंगल हो गई। अब साथ ही क्या लिखा हुआ है? आइसोसेल। तो आइसोसेल किसको कहते हैं? ऐसी तीन साइडों वाली डायग्राम जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हों। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें कोई सी भी हो, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइडें आपस में बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब जी द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। थर्ड की वर्ड हमारे पास आ गया जी लेस। तो ये मैथ कर रहे हैं, मैथ में लेस का मतलब क्या होता है? कम। और कम को हम मैथ में किससे शो करते हैं? माइनस से। इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा। लेस देन द सम, एक और वर्ड आ गया जी सम। सम का मतलब प्लस करना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस भी होगा। कौन प्लस होगा जी? ऑफ द टू इक्वल एंगल। अब देखें, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने तीनों एंगल मालूम करने, कौन कौन से वाले? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम कह देते हैं ये फर्स्ट एंगल है, इसको हम कह देते हैं ये सेकंड है, और इसको हम कह देते हैं ये थर्ड एंगल है। ये तीन एंगल हैं। कहा गया है कि आपने इन तीनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखे जी सौर, फर्ज कर लेते हैं। पहले तो हमने इनके नाम रख लेना, क्योंकि हमें नाम पता होगा तो फर्दर ही हम इनको क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। हमें नहीं पता इनकी वैल्यू कितनी है, हमने जस्ट नाम लिखना है, तो नाम हम खुद से लिखेंगे। लेट द फर्स्ट एंड सेकंड एंगल इज एक्स एंड द थर्ड एंगल इज वाई। फर्ज किया कि हमारे पास जो पहला और दूसरा एंगल है उसका नाम क्या है? एक्स। तो मैंने पहले ही बता दिया, इसको मैंने कहा फर्स्ट एंगल, इसको मैंने कहा सेकेंड एंगल, तो इसका नाम भी क्या रखा? एक्स। और इसका नाम भी क्या रखा? एक्स। अब उसका नाम क्या है? एंड द थर्ड एंगल इज वाई, तो इसका नाम क्या है? थर्ड वाई है ये हमारे पास थर्ड एंगल। इन दोनों का नाम मैंने एक्स क्यों रखा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है ये जो हमारे पास ट्राई एंगल है ये कौन सी है? आइसोसेल्स ट्राई एंगल है। तो आइसोसेल्स ट्राई एंगल ऐसी ट्राई एंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो। एक मैंने ये वाली साइड ले ली और एक मैंने ये वाली साइड ले ली, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर इनके एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो अगर मैंने इसको x कहा है तो इसी वजह से मैंने इसको भी x कहा है, क्योंकि ये दो क्या है हमारे पास? आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो इस वजह से इनके एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। थर्ड एंगल क्या है जी हमारे पास? वाई। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया जी? वाई। तो इन तीनों की हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब आ जाए जी क्वेश्चन की कंडीशन हमें क्या कहती है? क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल का बच्चों मैंने क्या नाम रखा है? वाई। तो मैं यहां पे वाई लिख रहा हूं। कहता जो थर्ड एंगल है वो कितना है? फर्दर पढ़े, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है और इसका जो थर्ड एंगल है वो है वाई। तो वो मैंने इधर लिख लिया, जो थर्ड एंगल है इज 16 डिग्री लेस।
वो 16 डिग्री कम है, किससे कम है, लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, कि जो हमारे पास दो इक्वल एंगल्स हैं उनका सम। फिर उस सम में से क्या होगा, लेस होगा, कितना जी 16 डिग्री। तो ये देखें जी सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, तो ये हमारे पास दो हैं एंगल, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो हम इन दोनों को लिख लिया एक्स और एक्स, और इनका हम करेंगे क्या सम, तो ये आ गया सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। तो ये देखें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये इनका क्या आ गया सम। अब इसमें से क्या है लेस देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, तो ये हमारे पास दो इक्वल एंगल है, इसमें से लेस होगा, लेस का मतलब माइनस, कितना लेस होगा जी 16 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 16। अब ये आ गया वाई इक्वल है, ये भी एक्स ये भी एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया जी 2x माइनस 16, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं 16 को उठा के इधर ले जाते हैं और y को उठा के इधर ले आते हैं, 16 इधर माइनस का है, जब इधर से इधर आया तो क्या हो गया प्लस का, ये इक्वल टू, उसी तरह ये आ गया 2x, y इधर क्या है प्लस का है, जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस का। अब ये देखें ये 2x माइनस y किसके बराबर है 16 के, तो ये इक्वल टू मैंने इसी तरह लिख दिया, ये 2x माइनस y इस तरफ लिख दिया और 16 मैंने इस तरफ लिख दिया। अब भी देखें तो 2x माइनस y किसके बराबर है 16 के, इसका मतलब हम इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जी। अब हमने सेकंड इक्वेशन कैसे ढूंढने थी, सेकंड इक्वेशन के बारे में तो उसने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, लास्ट में लिख दिया फाइंड द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये जो पहली दो लाइनें हैं इनसे एक इक्वेशन बनी है वो तो हमने बना ली है। अब थर्ड एंगल, थर्ड जो है हमारे पास लाइन में सिर्फ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा कि आपने इनकी वैल्यूज ढूंढनी है। तो अब देखें आपको पता है ये क्या है ट्राई एंगल है, और ट्राई एंगल की एक शर्त होती है, वो क्या होती है कि ट्राई एंगल के जो तीन एंगल हैं अंदर वाले, इनको जब हम जमा करते हैं तो आंसर हमेशा 180 आता है। तो यहां पे आप लिखेंगे फर्दर, वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ ट्राइंगल, कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल का सम है किनका जी एंगल्स का, तो ये एंगल है एक्स, ये भी एक्स है और ये क्या है वाई, तो इनका सम ये एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया और ये आ गया वाई, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री की। तो ये एक्स जमा एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई इक्वल आ गया 180 डिग्री, भरे ऊपर ना लिखे क्योंकि हमने इधर भी नहीं लिखी। अब ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, तो यहां पे लिखे हैंस क्या, ये फर्स्ट है 2x माइनस वाई इक्वल है 16 और ये सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल 180। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं बिल्कुल हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, अब हमने ये इक्वेशंस भी ढूंढ ली हैं। फर्दर इससे आप आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, चाहे क्रैमर रूल से करें चाहे इन्वर्जन मेथड से करें, यही काम मुश्किल था जो मैंने आपके लिए कर दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।